जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय साथियों। नवरात्रि न केवल व्रत के लिए, पूजा पाठ के लिए, बल्कि हमारे जीवन के बहुत सारे दुख और दरिद्रों को दूर करने का एकमात्र साधन है। देवी माँ के नौ स्वरूपों की पूजा हेतु अति शुभ मंगलकारी समय आ चुका है। अगर आपके घर में भी रोग, शोक, दुख, कलह, चिंता, पारिवारिक कलह, टोना टोटका, कार्य में बाधा, मैरिज और मैरिटल लाइफ में कोई अशांति है, ऐसी संपूर्ण कलियुग की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिद्धांत के अनुसार हमने यानी आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने सभी भक्तों के पूर्ण सुख शांति दायक जीवन बनने के लिए विद्वान पंडितों के सानिध्य में नवरात्रि के नौ दिनों तक नव दुर्गा की पूर्ण प्रसन्नता के लिए अखंड ज्योति के समक्ष अति पवित्र एवं अभिमंत्रित माँ बगलामुखी यंत्र, आपके लिए रक्षा सूत्र और हल्दी की माला के साथ अष्टगंध की पूजन सामग्री हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हैं तो ये सामग्री आपको नवरात्रि के बाद हम पहुंचा देंगे। आप अपने और अपने सौभाग्य के लिए अगर इसे पाना चाहते हैं तो आप तुरंत संपर्क करें ताकि समय रहते पंडित जी की व्यवस्था आपके लिए की जा सके और नवरात्रि के बाद वो सामग्री आपको भिजवाई जा सके। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि गुरु की महिमा अपरंपार है। उनका वर्णन किया है, वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और ईश्वर भगवान एक साथ खड़े हों तो किससे प्रणाम पहले करना चाहिए। गुरु को प्रणाम पहले करिए क्योंकि गुरु ने ही आपको गोविंद से मिलाया है। आप मंदिर जाते हैं तो पहले प्रणाम आपको पंडित जी को करना चाहिए क्योंकि पंडित जी हैं तो आप भगवान की आराधना कर सकते हैं, भक्ति पूजा पाठ कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। आप देख रहे हैं 2 अप्रैल शनिवार चैत्र नवरात्रि का राशिफल। चैत्र नवरात्रि में राशि के अनुसार विशेष उपाय भी आज बताऊंगा। प्रिय साथियों, आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज दुबई से भारत लौट आया हूँ। 8 अप्रैल को मुंबई, 9 अप्रैल पुणे और 10 अप्रैल को अहमदाबाद रहूंगा। 15 अप्रैल दिल्ली, 16 अप्रैल मेरठ और 17 अप्रैल को काठमांडू रहूंगा। 22 अप्रैल बेंगलुरु, 23 अप्रैल को हैदराबाद और 24 अप्रैल को कोलकाता के साथ 25 अप्रैल को जमशेदपुर होगा। आप चाहें तो वहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज सुबह 11:58 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीय तिथि रहेगी। आज ही सुबह 11:20 तक रेवती नक्षत्र और बाद में अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि योग, अनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज एक नया इंद्र योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर, तुला और मकर है तो आपको शश योग और रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज सुबह 11:20 के बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आपको 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। कोशिश करेगा कि सुबह 9 से 10:30 तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाए। प्रिय साथियों, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आप नोट करिए। चैत्र आपको पता ही है कि चैत्र नवरात्रा शुरू हो चुके हैं और पहले दिन घट स्थापना की जाती है और घट स्थापना का मुहूर्त है 2 अप्रैल सुबह 8:04 से 8:29 तक। ये शुभ का चौघड़िया है और ये 25 मिनट आपके लिए शानदार रहेंगे। 6 राशि का राशिफल देखने बाद गुरु मंत्र में जानेंगे राहु केतु शनि के दोषों को दूर करने के लिए नवरात्रि का विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में होगा आज का एस्ट्रो ज्ञान। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मन आपका शांत रहेगा और आपके दिनमान आज बहुत अच्छे रहेंगे। अनफा योग के बनने से वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए आज कामयाबी का दिन है। बिजनेस में कोई बड़ी सक्सेस मिल सकती है। जल्दीबाजी आज बिल्कुल मत करना, बहुत शांति से काम करोगे, मजा आ जाएगा। अपने व्यवसाय से संबंधित काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाएं। ऑफिस का माहौल सुकून भरा बनाने के लिए आपको वर्किंग कल्चर में सुधार लाना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की अब आदत डाल दीजिए जिससे आपको खुशी मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक औसत दिन है, लेकिन गैस, एसिडिटी की परेशानी आपको हो सकती है। चैत्र नवरात्र पर आपको स्कंद माता की विशेष उपासना करते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र के 11 मिनट तक जाप करें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करिए। वृषभ राशि, खर्च बढ़ रहे हैं, कर्ज भी बढ़ रहे हैं, सावधान हो जाएं। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां और दिक्कतें अभी बनी रहेगी। फिलहाल नई योजनाओं को स्थगित कर दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है।
आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। मन लगाकर कर्म करने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफलता पा पाएंगे। जो आज मुश्किल लग रहा है, ध्यान रखिए किसी भी काम की सफलता पहले से की गई सुनियोजित योजना पर ही आधारित है। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी वजह से ही ठीक होगी। चैत्र नवरात्र पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ सरस्वती की आराधना करें। साथ ही ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः मंत्र की कम से कम 11 मिनट तक जाप करें। मिथुन राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाकर आज बहुत अच्छा फील करेंगे। प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों से मुलाकात, नए लोगों से कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, जिसका लाभ उठाना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। नौकरी में काम के सिलसिले में आपको कुछ अनुभव बेकार होंगे आज, इससे शांत रहकर अपने काम पूरे करें। वर्क प्लेस पर किसी तकनीकी काम में आपकी प्रशंसा हो सकती है। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते और मधुर होंगे और घूमने फिरने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने स्ट्रीम में किसी दिग्गज से मिलने की संभावना है। सफल लोगों के चारों ओर का ऑरा और उसकी पॉजिटिव वाइब्स आपको सकारात्मकता का ऊर्जा पुंज बना देती है। स्वास्थ्य पहले से बेटर है, एंजॉय करिए। चैत्र नवरात्रि पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ भुवनेश्वरी की आराधना करें। साथ ही ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरीय नमः मंत्र की एक माला जाप करिए। कर्क राशि, राजनीतिक उन्नति होगी, नए लोगों से मेल मुलाकात, पब्लिक में आपकी इमेज बेटर होगी। अनफा योग के और इंद्र योग के बनने से व्यवसाय में आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग फायदेमंद साबित होंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित गतिविधियों में दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, फिर भी आप काम के लिए सतर्क रहें। वर्क प्लेस पर काम में मन लगेगा, नौकरी में आ रही समस्याओं का समाधान होगा। घर परिवार को समय दीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में कुछ परेशानियां है लेकिन वो दूर हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने क्षेत्र में पूरा ध्यान दीजिए। अपने काम में कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो काम में सफलता की आधी सीढ़ी समझो आप तय कर चुके हैं। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ भैरवी की उपासना करें। साथ ही ओम हसय वर वरदाय मनोवांछित सिद्धये ओम मंत्र की 11 मिनट जाप करिए। सिंह राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका झुकाव बढ़ेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन बिजनेस पर्सन के लिए अच्छा समय अभी दूर है। व्यवसाय मोर्चे पर हालात आपको सामान्य खुद बनाने पड़ेंगे। और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आज जॉब के लिए अप्लाई करना और जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। शादीशुदा लोग अच्छा जीवन साथी और जीवन साथी में अच्छा प्रेम पाना चाहते हैं तो आप सबको सम्मान की नजर से देखिए और साथ में हाथ में एक अच्छा सा गिफ्ट, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, काम बन जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित किसी भी उपकरण को सावधानी से उपयोग में लीजिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चैत्र नवरात्र पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर मां सिद्धिदात्री की आराधना करें। साथ ही या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र की कम से कम 11 मिनट जाप करिए। कन्या राशि, आकस्मिक परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन जो आपको अच्छा फील कराएंगे। और हो सकता है कि आज आप अच्छा ट्रेवल कर लें। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा तो है ही है लेकिन हेल्दी कंपटीशन रखिए। इस समय बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है बल्कि पेंडिंग काम को अच्छे ढंग से पूरा करने की। आज के दिन आप पैसों का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, इसी में बेहतरी है। जॉब में किसी कलीग से मनभेद और मतभेद हो सकता है, सावधानी बहुत रखिए। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास अब करने होंगे। आपका लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रवैया शानदार रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हो सकती है और स्टूडेंट को किसी प्रकार के प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा मिल सकता है। आपके सुख के साधन में थोड़ी गिरावट आ सकती है, बहुत ध्यान रखिए। चैत्र नवरात्र पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ चंद्र घंटा की आराधना करें और साथ ही ओम क्रीम कालिकाय नमः 11 मिनट जाप करिए, लाभ मिलेगा। बात करते हैं 6 राशि बाद आज के गुरु मंत्र की। अगर आपको राहु, केतु और शनि के दोष परेशान कर रहे हैं तो आपको नवरात्रि के पहले दिन माँ काली को गुड़ हल्का भोग अर्पित करना चाहिए और इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अर्गला और कीलक का पाठ करें, शांति मिलेगी शनि से। और शाम को पीपल के पेड़ में आप एक तेल का दीपक जलाएं और नवरात्रि में रामायण के उत्तरकांड का पाठ जरूर करिए। तुला राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर के साथ मनभेद और मतभेद हो सकता है, इसे बुलाइए। इंद्र योग के बनने से इन्वेस्टमेंट में ध्यान दीजिए और कोशिश करिए
कि आप अपने बिजनेस में एडवर्टीजमेंट प्रॉपर करें। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करोगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। वर्क प्लेस में परिस्थिति अभी बेहतर है और अपने कामकाज को बखूबी अंजाम दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाए, कुछ अच्छी खरीदारी करिए, आज लाभ मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए मनचाहा दिन है। सफल लोग कुछ नया नहीं करते हैं बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करते हैं। सेहत के मामले में आज आप बहुत लकी हैं। आज चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ लक्ष्मी की आराधना करें और साथ ही ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 मिनट जाप करिए। वृश्चिक राशि। ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से छुटकारा अब आपको पाना ही होगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस में काम का दबाव आप पर ज्यादा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई शुभ समाचार मिल रहा है। दोपहर बाद स्थितियां और भी बेहतर रहेगी। कुछ मुश्किलों को छोड़कर आज का दिन पूरा अच्छा है। तब तक मेरे प्रिय साथियों, तब तक आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए जब तक कि आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाते। पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। किसी मुद्दे पर बहस न करें जिसपे पहले भी झगड़े हो चुके हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स शानदार और यादगार दिन है। मुंह का संक्रमण थोड़ा परेशान करने वाला है, ध्यान रखिए। चैत्र नवरात्रि पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि की आराधना करें। साथ ही या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 11 मिनट तक जाप करिए। धनुराशि। स्टूडेंट की पढ़ाई में तरक्की होगी। कोई व्यवसायिक योजना आज सफल होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति से बिगड़े काम भी बन जाएंगे। वाशी योग और इंद्र योग के बनने से नौकरी के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, आत्मविश्वास शानदार रहेगा। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि आत्मविश्वास के पंखों से बहुत ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। जो लोग विवाह की देखरेख में हैं या विवाह के लिए तैयार हैं, उनको अच्छा मैच आज मिल सकता है और बातचीत आगे बढ़ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ आप प्यार इश्क और महबूब जो मोहब्बत है वो महसूस करेंगे। पुलिस फौज और प्रशासन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए आज शानदार दिन है। चैत्र नवरात्र पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ मातंगी की आराधना करें। साथ ही ओम ह्रीम ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र की एक माला जाप करें। मकर राशि। जमीन जायदाद के मामले सुलझेंगे, चाहे खरीद फरोख्त रिनोवेशन डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो सकता है। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए निकल पड़िए। बिजनेस में विपरीत परिस्थितियों से कड़ी चुनौती से बाहर निकलेंगे। याद रखिए प्रिय साथियों, दाल सस्ती हो या महंगी हो उसका गलना बहुत जरूरी है, उसका स्वाद तभी मिल पाएगा। नौकरी में किसी से किसी बात को लेकर बहस बढ़ सकती है। वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में उलझन जरूर महसूस होगी। पारिवारिक जीवन में समस्या न आए, प्यार मोहब्बत से दिन गुजारिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स डू मोर, आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सेहत शाम को बिगड़ सकती है गलत भोजन की वजह से, इससे बचिए। चैत्र नवरात्र पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ शारदा की आराधना करें। साथ ही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 11 मिनट तक जाप करिए। कुंभ राशि। साहस करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। नेटवर्किंग ऑनलाइन ऐप डेवलपर वेब डेवलपर आईटी प्रोफेशनल लोगों को बड़े लाभ मिलेंगे। आज कोई पुराना साथी आपको छोड़ के जा सकता है, ब्रेकअप ब्रेक ऑफ हो सकता है, आपके व्यापार से कोई ग्राहक निकल सकते हैं, ध्यान रखिए। करियर के किसी मुद्दे पर आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, प्री प्लान तरीके से चलिए तब मजा आएगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप चुनौतियों से हार ना माने, जीत कर दिखाएं। ज्ञान और कौशल के लिए वर्क प्लेस पर तारीफ सुनने को मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सुखी लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ जीवन बिताने के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, जुबान में अच्छे शब्द रखिए, हाथ में अच्छा गिफ्ट रखिए, काम बन जाएगा। जनरल एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उत्कृष्ट आज आपका दिन है। नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ कालिका की आराधना करें। साथ ही काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते 11 मिनट तक जाप करिए, बहुत पुण्य मिलेगा। मीन राशि। सत्कर्म पुण्य कर्म स्पिरिचुअलिटी किसी और के आंसू पहुंचने का काम आज आप करने वाले हैं। व्यवसाय दृष्टिकोण से समय मध्यम है, लेकिन योजनाएं जो पेंडिंग है उसे पूरा करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज आपके काम की तारीफ होगी और काम का दबाव भी ज्यादा रहेगा। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। पारिवारिक जीवन को अच्छा कर लोगे तो प्रोफेशनल लाइफ शानदार हो जाएगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स मन लगाकर आज मेहनत करिए आफ्टरनून तक, उसके बाद चाहे जो करिए। अपना राज जो है वो किसी के सामने आप प्रकट न करें, वरना आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे।
आज पेट में गड़बड़ी हो सकती है गलत समय और गलत भोजन की वजह से। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ गौरी की आराधना करें। साथ ही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 11 मिनट तक जाप करें। प्रिय साथियों, आज का एस्ट्रो ज्ञान जान लीजिए। अगर आपकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन है तो आपके लिए शुभ दिन है। मेष, मिथुन और कर्क सिंह राशि वाले लोगों के लिए सामान्य दिन है। वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोगों को संभल कर रहना चाहिए। फिर भी आज आप लोग कोशिश करें कि स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर काले आसन पर बैठकर शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।